नमस्कार नमस्कार नमस्कार, आवाज 24 न्यूज में आपका स्वागत है। लोकतंत्र का महापर्व का जो है मतदान शुरू हो चुका है। बिहार के तीसरे चरण और आखिरी चरण का मतदान शुरू हो चुका है। इस कोरोना काल में किस तरह की प्रशासन की व्यवस्थाएं रही हैं, किस तरह से लोग मतदान कर रहे हैं। पूर्णिया मध्य विद्यालय के एक जो है पोलिंग बूथ यानी मतदान केंद्र पर हम पहुंचे हुए हैं और आइए हम यहां का जायजा लेते हैं कि किस तरह से यहां पर पोलिंग हो रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सुबह का समय है और मतदान शुरू हो चुका है। हालांकि मतदान केंद्र पर जो इस बार रूल बनाए गए हैं कि बिना मास्क का आप जो है अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं, तो करेंगे। और आइए दिखलाते हैं कि किस तरह का सुरक्षा का जायजा है, किस तरह से लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं प्रशासन भी जो है अपने जगह पर मौजूद है। ये जो मतदान केंद्र है ये कोरोना काल में जो है बिहार का पहला जो है चुनाव हो रहा है, विश्व का सबसे बड़ा चुनाव इसे कहा जा रहा है। आप जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ नीचे में ये जो व्यवस्थाएं की गई हैं ये गोल गोल घेरे बनाए गए हैं और वो इसलिए बनाए गए हैं कि लोग जो हैं लाइनों में जो खड़े हो जाए तो वो डिस्टेंस का पालन कर पाए, उचित दूरी पर खड़े होकर के लोग मतदान करें, इसलिए ये जो है घेरे बनाए गए हैं। और आए आपको अंदर में हम दिखलाते हैं। यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं मतदान पदाधिकारी महिलाएं भी हैं, सैनिटाइजर इनके टेबल पे रखा हुआ है। जो भी आ रहे हैं सबसे पहले उनके हाथों को सैनिटाइज किया जा रहा है, उसके बाद जो है पर्ची ली जा रही है, उसका जो है पहचान मिलान किया जा रहा है और उसके बाद जो है मतदाताओं को अंदर जो है पोलिंग के लिए भेजा जा रहा है। हालांकि पिछले बार के मुकाबले इस बार इस समय में जो अभी वक्त हो रहा है मतदान का, भीड़ काफ़ी कम नज़र आ रहा है। लोग धीरे धीरे अपने घरों से निकल रहे हैं। ये पूर्णिया कोर्ट स्टेशन और जनता चौक के नज़दीक जो है मध्य विद्यालय का एक मतदान केंद्र है। यहाँ पर चार केंद्र बनाए गए हैं और चारों केंद्र में अपने अपने तरीके से जो है मतदान हो रहा है। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं कि आप अभी क्या कर रही थी, टेम्परेचर ले रही हैं। ये जो भी मतदाता आ रहे हैं उनका टेम्परेचर लिया जा रहा है। ये जो है सिक्योर किया जा रहा है कि किसी तरह से कोई पैनिक प्रॉब्लम्स ना हो। और दस्ताने वगैरह दिए जा रहे हैं, हाथ को सैनिटाइज किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि व्यवस्था जो है कोरोना काल के लिए जो भी सरकारी और चुनाव आयोग की तरफ से जो व्यवस्थाएँ की गई थी वो पुख्ता यहाँ पर नज़र आ रहा है। लोगों के सुरक्षा का जो है ध्यान काफ़ी रखा जा रहा है। हम भी इनसे आग्रह करेंगे कि हमारे हाथों को भी ये सैनिटाइज कर दे थोड़ी सी। और माइक को भी। चलिए, तो सुरक्षा की दृष्टि से ये काफी ही आवश्यक है क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। मतदाताओं से बात करेंगे। जी बतलाएं, कोविड के बाद जो है ये पहला चुनाव है बिहार के, आप मतदान केंद्र पर वोट करने के लिए आए हैं, कैसी व्यवस्थाएं यहाँ की आपको लग रही हैं, किस तरह की सुविधाएं दिख रही हैं? सुविधा बहुत बढ़िया है और सब चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखते ग्लव्स भी दिया गया देख रहे हैं, सैनिटाइजर भी किया गया है, प्लस सोशल डिस्टेंसिंग भी का पालन किया गया है, मास्क सब कोई पहने हुए हैं, पूरी तरह से पुख्ता किया व्यवस्था किया गया है। मतदान केंद्र पर जो भी व्यवस्थाएं हैं वो पुख्ता आपको लग रही है? एकदम 100%। चलिए, आपको शुभकामना है, आप अपने मत का प्रयोग। थैंक यू, धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि जो यहाँ के मतदाता हैं यहाँ पर पर्ची का मिलान का काम हो रहा है। सभी लोग जो है अपने अपने पहचान को अपने तरीके से मिला रहे हैं, हाथों को सैनिटाइज करके, हाथों में ग्लव्स लगा करके जो है लोग यहाँ पर आ रहे हैं। सर, आप आए हैं वोट करने के लिए, किस तरह की व्यवस्थाएं आपको लग रही हैं यहाँ पे इस कोविड काल में? व्यवस्था तो बढ़िया लगा, अच्छा लगा व्यवस्था। आप संतुष्ट हैं कि ये व्यवस्था? हाँ, व्यवस्था सही है, सुरक्षा दृष्टि से बहुत सही है व्यवस्था। जब आप वोट करने के लिए निकल रहे थे तो आपके मन में भी कुछ सवाल होंगे कि कोविड का समय है, मैं निकलूँ या ना निकलूँ, क्या सोच रहे? लेकिन जरूरी है ना, मतदान करना तो बहुत जरूरी है। हम अगर मतदान नहीं करेंगे तो फिर सरकार कैसे बनेगी? सरकार चुनने के लिए तो हमको घर से निकलना पड़ेगा।
तो जागरूकता तो बहुत जरूरी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि भले ही कोविड काल है, लेकिन जागरूक मतदाता जो होते हैं वो लोकतंत्र का जो है मजबूत स्तंभ होते हैं, और उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो लोकतंत्र का भागीदार बने, अपने मतों का प्रयोग करें, जिससे कि उनको एक अच्छी सरकार, एक अच्छी व्यवस्था मिल सके। चले तो हम दूसरे पोलिंग बूथ पर भी आपको अभी लेकर के चल रहे हैं। फिलहाल यहाँ का जायजा हमने लिया, जनता चौक कोर्ट स्टेशन के बगल का ये बूथ है, और आप बने रहे हैं आवाज 24 न्यूज के साथ। हम यहाँ पर अभी पूर्णिया के सभी पोलिंग बूथों की जो है रिपोर्ट आप तक पहुँचाएंगे, किस तरह में मतदाताओं में जागरूकता है। तो चलिए आवाज 24 न्यूज के साथ आप बने रहे। जैसा कि मतदान जो है पूर्णिया में लगातार जारी है, और आवाज 24 न्यूज आपको सभी मतदान केंद्रों की जो है रिपोर्ट दे रहा है। अभी हम पशुपालन विभाग यानी कि पशुपालन विभाग का केंद्र पर जो है आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। ये मतदान केंद्र संख्या 38 है, और जैसा कि हम आपको दिखला रहे हैं कि इसे काफी सजावट यहाँ पर की गई है। यहाँ पर प्रशासन के लोग भी जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से खड़े हैं, अपनी अपनी ड्यूटी और जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। फुटप्रिंट यहां पर लगाए गए हैं दूरी को दर्शाने के लिए, कि लोग अपनी अपनी उचित दूरी पर खड़े हो सके, इसलिए ये फुटप्रिंट भी लगाया गया है। आप जैसा कि देख रहे हैं कि यहां पर जो पीठासीन पदाधिकारी और यहां के जो कर्मचारी हैं जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगे हुए हैं, ये टेम्परेचर मापने के लिए है। तो जैसा कि देखा कि हमने भी जो है सुरक्षा का जो है जायजा हम ले रहे हैं, टेम्परेचर मापा जा रहा है जो भी मतदाता यहां पर आ रहे हैं, उनके बाद सैनिटाइजर भी उनको किया जा रहा है, इनको सैनिटाइज किया जा रहा है। जगह जगह पैम्पलेट और बोर्ड लगाए गए हैं मतदान के जागरूकता के लिए, कि लोग जो है इसे पढ़े, जागरूक हों। और आवाज 24 न्यूज़ की भी अपील है कि अगर अभी तक आपने अपना मतदान नहीं दिया है तो अपने घरों से निकले, और ये ज़रूर अपील है, ये आवश्यक है लोकतंत्र की मजबूती के लिए कि आप अपने घरों से निकलें, मतदान करें, मतदान केंद्रों पर पहुँच कर, और उन लोगों को भी जागरूक करें जो अभी तक मतदान नहीं किए हैं। ज़रूर उन लोगों को आप जो है घरों से निकलने के लिए अपील करें और कहें कि मतदान करें, चूंकि ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए काफ़ी आवश्यक है। हालांकि लाइन अभी उतनी नहीं है, लोग धीरे धीरे अपने घरों से आ रहे हैं, इक्का दुक्का करके लोग जो है मतदान कर रहे हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं कि पीठासीन अधिकारी अपने अपने काम को लगे हुए हैं, हैंड्स ग्लव और मास्क का भी यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि सुरक्षा जो है, कोविड काल का समय चल रहा है, और कोविड काल में ये बिहार का जो है देश का सबसे बड़ा चुनाव हो रहा है पहली बार, और प्रशासन की जो व्यवस्था है ये एक मॉडल जो है मतदान केंद्र है। आप जैसा कि देख रहे हैं सभी तरीके की व्यवस्था है। एक प्रत्याशी अभी हमारे साथ हैं जो मतदान केंद्र पर अपना मत का प्रयोग करने के लिए आए हैं, काफ़ी ही पुरानी पार्टी जनता दल से हैं, जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं जी, मिहिर आनंद जी हैं जनता पार्टी के प्रत्याशी। आप 2 मिनट हम इनसे भी ज़रूर जानेंगे किस तरह का मतदान हो रहा है। तो मिहिर जी गुड मॉर्निंग, आज मतदान का दिन है और कोविड काल में जो है ये विश्व का सबसे बड़ा मतदान हो रहा है, आप स्वयं प्रत्याशी हैं, अपने मत का प्रयोग करने के लिए आप यहाँ पर आए हुए हैं, किस तरह का माहौल वातावरण देख रहे हैं? माहौल वातावरण तो यहाँ बहुत ही अच्छा है, बस सभी से मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा कि दूरी बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें और ग्लव्स लेके ही अंदर जाएं, क्योंकि आप जो ईवीएम मशीन में बटन दबा रहे हैं वो टच किया जाएगा, तो हमारे इस अनुरोध को माना जाए, ये अपील है हमारी। और साथ ही सही पुण्यवासी को मेरा नमस्कार प्रणाम। ये मिहिर आनंद जी थे, जनता दल के खुद के प्रत्याशी हैं, जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं। हालांकि आज हम प्रचार नहीं करेंगे किसी का, लेकिन ये जरूर अपील करेंगे कि अगर अभी तक आप अपने घरों से नहीं निकले हैं तो अवश्य जो है घरों से निकले, अपना बहुमूल्य मतदान करें। ये जो मतदान केंद्र है ये मॉडल मतदान केंद्र है, यहाँ पर कुछ खास व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन चाहे मतदान केंद्र कोई भी हो, आवश्यक है आपका मतदान। तो आप बने रहें आवाज 24 न्यूज के साथ, हम अगले बूथ मतदान केंद्र के आपको जायजा को दिखला रहे हैं। तो आवाज 24 न्यूज आपको लेकर के आया है पूर्णिया कॉलेज स्थित कैंपस में, 43 और 44 यानी कि 43 और 44 बूथ केंद्र संख्या है ये। अभी आपने आवाज 24 न्यूज फेसबुक पेज के माध्यम से भी आप देख पा रहे हैं और यूट्यूब से भी आप देख पा रहे हैं। तो आवाज 24 न्यूज मतदान की जो है
पल पल की खबरें आप तक पहुंचा रहा है अलग अलग मतदान केंद्रों पर, वहां का जायजा, वहां का हालात, वहां की सुरक्षा व्यवस्था, वहां पर कोविड 19 को लेकर प्रशासन और चुनाव आयोग के द्वारा जो व्यवस्थाएं कही गई थी उसका आवाज 24 उसका जायजा ले रहा है कि क्या वाकई में वो सारी व्यवस्थाएं पुख्ता नजर आ रही है। तो चलिए हम जो है 43 और 44 मतदान केंद्र संख्या जो पूर्णिया कॉलेज कंपाउंड के स्थित अंदर में ये बनाया गया है इसका हम थोड़ी से जायजा लेते हैं। स्टार्टिंग में प्रशासन खड़ा है, लोगों की आइडेंटिटी चेक कर रहा है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि सुबह सुबह काफ़ी कम लोगों की भीड़ नज़र आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे बूथ पर जो है लोग पहुंच रहे हैं, अपने वोटिंग को डाल रहे हैं। और महिलाओं की भी जहां तक बात करें तो महिलाओं की भी संख्या अब धीरे धीरे दिख रही है कि लोग अपने घरों से आ रहे हैं और मतदान करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। सर्वप्रथम जो मास्क लगा करके मतदान केंद्र के अंदर आना है। हम भी अपील करेंगे कि आप अपने घरों से निकलें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर करें और मतदान भी जरूर करें। तो चलिए सबसे पहले हम यहां पर जानते हैं, एक महिला है वोट करने के लिए आई हुई है, इनसे पूछते हैं। मैडम नमस्ते और बहुत शुभकामना है कि आप अपने कीमती मत का प्रयोग करने के लिए आई हैं। किस तरह का व्यवस्था नज़र आ रहा है, क्या कहना चाहेंगी? बहुत अच्छी व्यवस्था है, कोरोना को ध्यान में रखते हुए सारी व्यवस्था की गई है, बहुत खुश है इस व्यवस्था से। आपके घर के सभी लोग जो वोटर हैं जो मतदान करने के लिए, क्या सभी जा रहे हैं मत करने के लिए? जी हाँ, सभी जा रहे हैं। लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगी मत को लेकर? मतदान करने जरूर आए, अपने मत का प्रयोग करें और अपने सारे व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आए, कोरोना को ध्यान में रखते हुए आए। तो जैसा कि आपने देखा कि ये यहाँ पर कोविड को भी आप देख रहे हैं कि इनका कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था और कोविड संक्रमण को भी लेकर के जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो पुख्ता है। हाथों में हैंड्स ग्लव दिया गया है, सैनिटाइजर का व्यवस्था है। आप जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पर पुख्ता व्यवस्था किया गया है कि जो भी मतदाता आएंगे उनके हाथों को सैनिटाइज किया जाएगा, ग्लव्स दिया जाएगा और मास्क का प्रयोग तो वो कर ही रहे हैं। तो एक सुरक्षित तरीके से मतदान जो है संपन्न हो रहा है। पूर्णिया कॉलेज कंपाउंड का ये मतदान केंद्र है। पीठासीन अधिकारी भी अपने सुरक्षा का जो है पूरा जो है ध्यान रख रहे हैं। इस तरह के पैम्पलेट बैनर हर जगह लगाए गए हैं जिन पर जो है कोरोना काल में आप जैसा कि देख रहे हैं कि अलग अलग तरह से जो है क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं उसको दर्शाया गया है। और डिस्टेंस, दूरी बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें, बुजुर्गों के लिए रैंप और वगैरह जो है स्ट्रक्चर वगैरह जो भी होता है उनको लाने के लिए, टेम्परेचर नापने के लिए, तो सारी व्यवस्थाएँ। फिलहाल आवाज़ 24 न्यूज़ जिन बूथों पर, जिन मतदान केंद्रों पर गया है, प्रशासन और चुनाव आयोग के द्वारा जो बातें कही गई थी इस तरह की व्यवस्थाएं होंगी हमें नज़र आई है और काफ़ी ही अच्छे तरीके से पूर्णिया में मतदान चल रहा है। सभी लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। आप आवाज 24 में बने रहें, आपको हम अलग अलग मतदान केंद्रों की रिपोर्ट्स, वहां के हालात आपको दिखलाते रहेंगे। तो प्रशासन भी अपनी जो है सुरक्षा व्यवस्था को आप इस मतदान केंद्र पर देख रहे हैं कि प्रशासन अपने स्तर से, अपने तरीके से अपनी ड्यूटी पर तैनात है, कर रहे हैं। यहाँ के स्थानीय हैं, यहाँ के मतदाता भी हैं, क्या कहना चाहेंगे इन व्यवस्थाओं पर मतदान केंद्र? नहीं, यहाँ बहुत ही अच्छा व्यवस्था है और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए निर्वाचन आयोग जो है बहुत अच्छी व्यवस्था की है और लोग शांतिपूर्वक जो है मतदान कर रहे हैं और सवेरे से लोग अच्छे तरह से धीरे धीरे लोग आ रहे हैं और अपना वोटिंग कर रहे हैं। अभी तक का जो समय चल रहा है इस हिसाब से जो पूर्वत जो चुनाव रहे हैं, क्या भीड़ में कोई संख्या में कमी भी नज़र आ रही है? भीड़ में संख्या में कमी नहीं है, लोग धीरे धीरे वोटिंग कर रहे हैं। एक्चुअली है क्या कि जो निर्वाचन आयोग का नियम का पालन करते हुए लोग और कोरोना को देखते हुए लोग अपना वोटिंग कर रहे हैं। इसलिए क्या नाम हो रहा है? हमारा नाम सुनील कुमार सिंह हुआ। सुनील कुमार सिंह जी हैं यहाँ के मतदाता हैं। इनका जैसा कहना है कि लोग, ऐसा नहीं है कि कोविड को लेकर के जो है लोग कम घरों से निकल रहे हैं, हालांकि समय का थोड़ा सा अंतराल जरूर बढ़ा है, धीरे धीरे लोग अपने घरों से आ रहे हैं और मत प्रतिशत पूर्णिया का जो है अच्छा रहने की इनको पूरी उम्मीद है।